आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आप सभी को पता है कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का रिजल्ट आ चुका है, और आपको ये बता दूं कि ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी, ठीक है। अभी इसमें 5x 10x बच्चे लिए गए हैं, इनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद अगर कोई स्किल्स रिक्वायर्ड है तो उनका होगा स्किल टेस्ट, फिर जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपका हुआ कि नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट कर रहे हैं। कुछ इतने तेजस्वी बच्चे भी हैं जो मेरा नाम जो है ना वो सर्च कर रहे हैं लिस्ट में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि भाई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, और नाम भी क्या सर्च कर रहे हैं, अभिषेक कुमार, मतलब किसी और लड़के का नाम सर्च करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बोलता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय, स्वागत है आपका मैथ्स में यहाँ पे। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय, ठीक है। तो मैंने बेसिकली, अगर मैं अपनी बात बताऊं, और आज मैं अपने स्कोर के बारे में ही बात करूंगा, थोड़ी बहुत बातें और करूंगा, ठीक है। और आप भी बोर हो रहे होगे तो थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ना इस एग्जाम में मैंने सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया था, और मैंने 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। 3 पोस्ट ये है, और जो चौथा पोस्ट है वो सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और चारों पोस्ट लेवल 6 के लिए ही मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि लेवल 6 ही हाईएस्ट पोस्ट थी। अगर लेवल 7 की भी होती तो मैं उसके लिए से याद, अगर लेवल 7 की भी पोस्ट होती थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं शायद लेवल 6 भी अप्लाई नहीं करता, मैं लेवल 7 ही सेव करता, ठीक है। लेकिन लेवल 6 ही हाईएस्ट थी, तो मैंने लेवल 6 की 4 पोस्ट जो मुझे अच्छी लगी थी उनको मैंने अप्लाई किया था। और सारी पोस्ट में जो वैकेंसी थी वो आपकी 7-8, अगर मैं UR की बात कर रहा हूँ, 7-8 वैकेंसी थी, किसी में 2-3 थी, किसी में 1 थी वैकेंसी, तो मैंने इन्हीं को फिलअप किया था, ठीक है। 2-3 नहीं थी वैसे, 7-8 थी, या तो 1 थी वैकेंसी, तो मैंने इनको ही सिर्फ फिल किया था। तो मेरा 3 पोस्ट में हुआ है, ठीक है, मतलब नाम आया है, हुआ नहीं है अभी, फाइनल रिजल्ट नहीं है ये। 3 पोस्ट में मेरा नाम आया है, 1 में नहीं आया है। उसकी जो वैकेंसी, उसकी जो कट ऑफ गई है वो 181 पॉइंट समथिंग गई है, और जो इनकी कट ऑफ गई है इनकी 171-172 ऐसे गई है, 171-172 के आसपास गई है इनकी कट ऑफ। और इसमें जो वैकेंसी थी उसमें 7-8 ऐसे वैकेंसी थी, UR की मैं बस सिर्फ बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व की। और एक पोस्ट इसमें ऐसी है, मुझे याद नहीं कौन सी पोस्ट है इसमें से, उसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी UR की, टोटल वैकेंसी 2 थी, UR की 1 थी, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था, ठीक है। हाँ, बाकी अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा जो एग्ज़ाम था 20 तारीख को, महीना आप देख लेना, 20 तारीख को 2:30 बजे वाली शिफ्ट जो थी वो थी मेरी ग्रेजुएट पोस्ट वाली एग्ज़ाम, ठीक है। और वो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा वो हार्डेस्ट शिफ्ट था, जिसमें मेरा रॉ स्कोर जो था वो मेरा 170 था, और जो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो मेरा 180 था अकॉर्डिंग टू रैंक मित्र। लेकिन जो एक दो रेलेवेंट चैनल हैं जो कट ऑफ वगैरह बहुत ही सटीक बताते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो मेरा जो नंबर बढ़ता वो 7 से 8 नंबर बढ़ रहा है, तो मैं 177-178 स्कोर के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना आएगा, इससे कम नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्कोर। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, तो मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें और करना चाहता हूँ आज, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आप में से ना काफ़ी लोग मुझे जानते हो, काफ़ी दिनों से जानते होंगे, और आपने मेरे मॉक्स के सलूशन भी देखे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि जो मेरे मॉक्स के स्कोर आते हैं ना वो भी कुछ ऐसे ही आते हैं, 170 प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा, आप में से काफ़ी लोग मेरी मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोज़ भी देखोगे, तो अगर आपने मेरी मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोज़ देखी ना, तो आप इन स्कोर्स पे जो मॉक्स के स्कोर हैं उन पे आप कभी डाउट भी नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी निगेटिव कमेंट करते हैं कभी कभी, मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि तुम री अटेम्प्ट करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कमेंट आया था कि ये वही लोग हैं जो मैंने टेस्ट बुक का सलूशन करा रहा हूँ अभी मैं, तो जो 31st वाला मॉक था उसमें मेरे जो स्कोर थे 188 आउट ऑफ 200 स्कोर थे। जिसने ये मॉक दिया है उसको पता है कि ये मॉक ईजी था, इसमें किया जा सकता है, जो बच्चे अच्छे हैं ना वो 170 से नीचे नहीं मारे होंगे, जो बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने 188 स्कोर किया, तो एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया था कि ये वही लोग हैं जो अभी 170-180 मार रहे हैं, और रियल एग्जाम में इनके 150 भी क्रॉस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको मैं बता दूं, तो जो मेरा CHSL और CPU का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने इस बार 2024 में, तो इसमें भी मेरे नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो 170 है दोनों में, ठीक है। और इसमें तो आप देख ही रहे हो, इसमें मेरे जो स्कोर है नॉर्मलाइज्ड 180 है, जो मेरा रॉ स्कोर है वो 170 है, ठीक है। तो वही चीज़ है, और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हो, जो भी कमेंट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से,
ना, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपको यही नहीं पता कि इतना स्कोर बच्चे मारते हैं और मार रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं 36 वाला जो मॉक का हम सोल्यूशन करेंगे उसमें मेरे 185 स्कोर है। और अगर मैं बताऊं, अगर मैं ये जो वीडियो है अगर ये बाद में आता और ये मैं मॉक पहले करा देता ना, तो बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कितना आया सेशन पोस्ट में, तुम्हारा कितना आया वहाँ के, नहीं अपना स्कोर क्यों नहीं बता रहे, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ये वाला वीडियो नहीं भी देखे होंगे ना, अगर नहीं देखें तो वो भी पूछेंगे मुझसे, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो ये बात ऐसी ना, 185 मारा, जिन्होंने ये मॉक दिया होगा ना उनको पता है कि ये मॉक ईजी था। जैसे मुझे कल ही एक बच्चे ने अपना स्कोर शेयर किया, उसके 175 स्कोर हैं 200 में, ठीक है, तो उसको ये बात पता है कि ये मॉक में स्कोर किया जा सकता है, ये मॉक स्कोर है, इसने किया होगा स्कोर, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो पहली बात तो आप ना जो माइंडसेट है ना उसको थोड़ा अच्छा करो कि हाँ इतना स्कोर किया जा सकता है, पहले आप सोचो। अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो तो वो करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो आप थोड़ा सा एक बार ना थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, तो आप शायद उस बात को रिलेट कर पाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल वैकेंसी थी फिर भी मैंने इसको अप्लाई किया था, तो आप समझ सकते हो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट कैसा होगा, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, और ना ही सिर्फ मेरा, जो भी 30 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका माइंडसेट कितना तगड़ा होगा कि भाई सिंगल वैकेंसी है फिर भी मैं इसको भर रहा हूँ। उनको खुद पे विश्वास होगा कि उनको मतलब अच्छा स्कोर करना है, उनको भी पता है कि 170 180 स्कोर करने पे ही मिलेगा, समझ रहे हो, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर। तो आप भी वही, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना स्कोर किया जा सकता है, पहले सोचो, ठीक है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। बाकी अगर आप बोर हो रहे हो आजकल तो मैं आपको एक पॉडकास्ट भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पॉडकास्ट का एग्जैक्ट एपिसोड नहीं पता है, लेकिन मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फ्री होना तो आप उसको जरूर सुना, बहुत ही ध्यान से सुनना अच्छे से ना। जाकिर खान का उम्मीद पॉडकास्ट का नाम है, और उसका एपिसोड मेरे ख्याल से पहला दूसरा में से कोई होगा, मैं आपको बता दूंगा, उसको आप सुनना देखो, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो आप एटलीस्ट सोचो तो सही। तो इसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ जो भी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट और लूँगा आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपका काफ़ी रिवीजन कराया, क्योंकि आपका आखिरी मोमेंट चल रहा है, एग्जाम आने वाला है, तो मैंने आपका काफ़ी हद तक रिवीजन कराया। तो मैंने देख रहा था ना कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10-10 घंटे की रिवीजन करा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना आपके लिए कितना मुश्किल है वो, आपको आखिरी मोमेंट पे अगर आप एक चैप्टर का 10-10 घंटे का रिवीजन करोगे तो आपका काम कैसे चलेगा। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि एक ग्रुप है जो डेली टारगेट्स बनाते हैं एसएससी के बच्चों का, आप सभी लोग जानते हो उनको, सबसे बड़ा ग्रुप वही है, और वो मॉक भी कंडक्ट कराते हैं, और साथ में उन्होंने पिछले साल एक मीटअप भी ऑर्गेनाइज़ कराया था जहाँ पे सारे बड़े बड़े टीचर्स आए थे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार अगर इनको, जैसे इनको अगर मेरा अगर मुझे इनका कॉन्टैक्ट मिलता तो मैं इनसे एक बार बात करता, कहता कि आप मेरी वीडियोस को देखो एक बार, अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी जो रिवीजन वीडियोस हैं उसका लेवल कैसा है, ये आपको भी आइडिया है। तो मैं इस वजह से चाहता था कि बच्चों को फ़ायदा मिले, और ऑब्वियस है भाई मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी रीच मिलेगी उससे। तो मैं बस ऐसे 2-3 हफ्ते पहले सोचा था ये बात, और अभी कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे उनका मेल रिसीव हुआ, उन्होंने मेरा कंटेंट देखा होगा, उनको सजेस्ट हुआ होगा, उन्हें पसंद आया होगा, तो मुझे उनका मेल रिसीव हुआ। तो आप समझ सकते हो ना कि पहले आप कोई चीज़ अगर आप पाना चाहते हो उसको सोचो, और ऐसा नहीं कि सब सोचो, जब आप सोच लोगे ना आपके अंदर एक जुनून आएगा तो आप अपने आप उसके लिए मेहनत करने लगोगे, ठीक है। मेहनत करो, बाकी तरक्की करो, अपनी आपका एग्ज़ाम आ रहा है काफ़ी अच्छा, दो फोड़ के आओ एग्ज़ाम। बाकी मैं कल तक एक वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 120 से 140 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं जो 150 प्लस स्कोर करके भी परेशान हैं, ठीक है। तो देखो परेशान हो के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो आपके हाथ में है आप उस पर ही फोकस करो अभी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप कर सकते हो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, वही चीज़ें, परेशान बिल्कुल मत हो, अपना गलतियों को सुधारो, हर एक मौके अपनी गलतियाँ सुधारो, बस थोड़ी थोड़ी करके सुधारो, जितना भी आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हो बहुत होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम वेस्ट मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।